आज की रेसिपी वीगन दही कबाब की है, जिसे हम मूंगफली के दही से बना रहे हैं। इस रेसिपी के लिए, क्योंकि हमें हंगकर्ड चाहिए, इसलिए हमने मूंगफली के दही को एक साफ कपड़े में बांधकर ओवरनाइट टांग के रखा था। आप देख सकते हैं कि ये दही बिल्कुल मक्खन की तरह मुलायम हो गया है। कबाब्स बनाने के लिए आप कोई भी अपनी मनपसंद सब्जियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। दही को एक बोल में ट्रांसफर कर लेंगे और उसमें डालेंगे एक बारीक कटी हुई शिमला मिर्च, एक बारीक कटी हुई गाजर, कुछ ताज़ा बारीक कटा हुआ धनिया, 2 से 3 बारीक कटी हुई हरी मिर्च, स्वाद अनुसार नमक, एक छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और एक छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर। इन सारे इंग्रेडिएंट्स को हम एक बार मिला लेंगे। अब हम कुछ ब्रेड के स्लाइसेस लेंगे, जिसके हम साइड्स को काट देंगे, पर ये साइड्स आप फेंकिए मत, क्योंकि इसके हम क्रम्स बनाएंगे। कटे हुए स्लाइसेस को हम पानी में एक एक करके भिगो लेंगे। अब हल्के हाथ से दबाते हुए ब्रेड के स्लाइसेस में से पानी निकाल लेंगे और तैयार की हुई स्टफिंग का 1 चम्मच ब्रेड के बीचों बीच डाल लेंगे। अब ब्रेड के कॉर्नर्स को लपेटते हुए बंद कर लेंगे और कबाब की शेप दे देंगे। जो हमने पहले ब्रेड के साइड्स काटे थे, उसके हमने क्रम्स बना लिए हैं, जो कि हम तैयार किए हुए कबाब्स पे लगा लेंगे। अगर आपके पास वक्त है तो इन कबाब्स को फ्राई करने से पहले 5 मिनट के लिए फ्रीजर में रख लीजिए। अब हम तेज सेक पर तेल को गर्म कर लेंगे और हम इसमें कबाब्स फ्राई करेंगे जब तक उनका रंग गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता। अब ये कबाब्स है रेडी, जिसे आप अपने किसी भी मनपसंद चटनी या सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और ऐसी कई स्वादिष्ट रेसिपीज के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।